फ्रेंड्स, आज हम आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में नहीं बताएंगे, कोई भी प्रोग्राम्स के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम लोग एक अलग ही इशू पे बात करेंगे, जो इशू है तो बहुत बड़ा, लेकिन पता नहीं हमारे इंडिया के शिक्षाविद उस मैटर में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। और बेरोजगारी के दौर से जो हमारे युवा जो हैं गुजर रहे हैं, उसकी तरफ कोई भी इस चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। सो इस वीडियो को आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आप भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, हाई प्लस टू में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर SSC बैंकिंग रेलवे IAS किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो जो है एक टॉनिक की तरह काम करेगा। और हो सकता है कि उसमें जो अंदर में बेरोजगारी पनप रहा है, कि वो बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, तो उससे कुछ हद तक निजात मिल जाए। हम टू द पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ये दिल मतलब आंखें खोलने वाला वीडियो साबित हो सकता है। अभी हालिया रिपोर्ट में हम बात करें कि IAS का रिजल्ट निकला, UPSC का रिजल्ट निकला, और उसमें जो सर्वाधिक पासिंग परसेंटेज जो स्टूडेंट्स का है, वो इंजीनियरिंग सेक्टर से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए, या यूँ कहें कि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा क्वालिफाई किया है। इस पर सभी हम लोग पेपर वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से जाने भी होंगे। और IIT से पास आउट स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, अब IAS बन रहे हैं। IIT से पास आउट स्टूडेंट्स जो है, यहाँ तक कि MBBS जो डॉक्टर्स हैं वह भी जो है आ रहे हैं, अन्य प्रोफेशनल्स भी इसमें आ रहे हैं, और UPSC जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम को वो क्वालिफाई कर रहे हैं और IAS बन रहे हैं। IAS, IPS, IRS जो बन रहे हैं, तो अच्छी बात है वो तो। लेकिन हमारा यहाँ पे एक अलग इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए, इस देश में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना एक मोक्ष मिलने के बराबर है। मैं अक्सर जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहा हूँ। तो जबकि श्रीमद् भागवत गीता अगर आप उठा के देखिएगा, तो उनका उनके अकॉर्डिंग उनका सीधा कहना है कि अगर आप तल्लीनता के साथ अध्ययनरत हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो तुमको तुम्हारी योग्यता के अनुरूप प्रकृति तुम्हें सारी चीज़ दे देगी और तुमको कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, और तुम जीवन यापन, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ जो भी सामाजिक संपन्नता हो, सारे चीज़ों से आप लबालब रहिएगा, बशर्ते कि आप अपनी योग्यताओं पे काम करें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो मतलब कांटों से भरी है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले आप यह भी देखे होंगे कि IIT से पास आउट स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे। और IIT से इस बार जो टॉप रैंक किए हैं वो हमारे बिहार के हैं, शुभम कुमार, बगल में अररिया जिला, पूर्णिया जिला के बगल में ही है कटिहार जिला, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, आप सब जानते होंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि IIT से निकले हुए स्टूडेंट्स IAS बन रहे हैं। निश्चित तौर पर ये देश सेवा है, इसमें हम ये नहीं करें, बहुत निश्चित तौर पर प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, एक जिस जहाँ पे भी जाएंगे वो देश, राज्य, जिला का ये सेवा करेंगे। लेकिन मैं ये हमको ये थोड़ा सा लग रहा है कि IIT IAS से भी कुछ बड़ा हो सकता था, अगर कोई IIT या डॉक्टर्स लोग अपने क्षेत्र से हटके दूसरे क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, तो ये तो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे हैं। एक शब्द आया हुआ है, मैं अक्सर इस पर ब्रेन ड्रेन का, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब ट्रेन जो है पटरी से उतर के दूसरे सेगमेंट किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ों को ब्रेन ड्रेन बोलना चाह रहा हूँ कि आप अभी देखिए स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारी क्यों आ रही है, ये ब्रेन ड्रेन की वजह से। IIT से पास आउट स्टूडेंट्स ने अच्छे पैकेज को सेलेक्ट नहीं किए, अच्छा पैकेज को इन्होंने नहीं लिए, जबकि अगर ये 5 साल काम कर लेते तो हमको लगता है कि वो 5 साल 10 साल काम कर लेने के बाद एक अच्छा कंपनी अपना ओपन करके वो 5,000 10,000 लोगों को जॉब दे सकते थे, वह जॉब दे सकते थे, क्रिएट कर सकते थे। IIT होता ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि वहाँ पे डोंट सर्च जॉब बट टू क्रिएट जॉब सिखाया जाता है, तब जाके इतने ज़्यादा सैलरी पर इन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है हेली पैकेज पर। तो ये चाहते तो 5 साल 10 साल काम करके अच्छा रेपुटेशन बना सकते थे,
कंपनी बना सकते थे, कुछ अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके 2000-5000 को ये जॉब दे सकते थे, फिर वहाँ से ये कहानी स्टार्ट करके लाइफ टाइम अपने अपने आने वाले वंश के लिए भी एक बहुत शानदार कैरियर छोड़ जाते। जैसे कि हम रतन टाटा की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, रेनबैक्सी या सिप्ला या अन्य जैसे मैन्युफैक्चर कंपनी है फार्मासी का या हर्बल का, या फिर हम बात करें मुकेश अंबानी जैसे कि, और अन्य जो कॉरपोरेट घराना है जहाँ पे कि ये लोग चले आ रहे हैं एक एक कंपनी की तरफ, ये लोग कॉरपोरेट सेक्टर में एंट्री करते तो आज इनके पास 5-10 हज़ार एम्प्लॉय इसके अंडर में काम करते। और वो भी एक देश सेवा है, वह भी एक देश सेवा है, समाज सेवा है। जब किसी को नौकरी देते हैं और उसका परिवार आपके सैलरी पर डिपेंड है तो हमको लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये आईआईटी पास आउट स्टूडेंट्स ये जो है, अगर आईएएस बन रहे हैं तो अच्छी बात है, ये आपका पर्सनल मैटर, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके पास देश सेवा जैसी भावना ही अगर है तो आप इससे भी बेटर ये हो सकता कि आप 5-10 हज़ार लोगों को अपने अधीन में, अपने कंपनी के तरफ के अंडर में आप काम करा सकते थे, उसको जॉब दे सकते थे, आप अपने हिसाब से उसको ये करते तो निश्चित तौर पे आप कल होके आईआईटी को ही हायरिंग करते, अच्छे अच्छे आईएम प्रोडक्ट्स को आप हायरिंग करते तो ये एक ऑप्शन होता। डॉक्टर्स भी वही अपने क्षेत्र को छोड़कर वो आईएएस बनते जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि सेक्रेटरी अगर आप बनिएगा तो स्वास्थ्य का ही सचिव बनिएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है, रेलवे जो मिनिस्टर होते हैं वो कोई फोन डिपार्टमेंट से पढ़ाई नॉलेज कोई मायने रखता है, उसकी काबिलियत जो है वो अलग अलग सेक्टर के भी मंत्री बन जाते हैं और सचिव बन सकते हैं, उसमें कोई ये इशू नहीं होता है कि आप डॉक्टर है तो ही आप स्वास्थ्य सचिव बनिएगा। तो ये आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स अभी आईएएस बन रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन का शिकार, हम सीधा इसको बोलते हैं वो क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन का शिकार है। और भी हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स एसएससी में आ रहे हैं, उसके बाद जो है रेलवे के अन्य सेक्शंस में आ रहे हैं। तो अगर आप आईआईटी से कम रेंज वाले इंजीनियरिंग में हैं, आईआईटी से कम रेंज में इंजीनियरिंग आपके पास, तब कम पैसों में आपको जॉब मिलेगी तो निश्चित तौर पे आप जाइए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में जहाँ जाना है वहाँ पर कीजिए। लेकिन हमको ये बात का असर लगा कि आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर आ रहे हैं तो ये तो ये ब्रेन ड्रेन का सीधा तौर पर शिकार हो रहे हैं, उनके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये गवर्नमेंट जॉब का जो कीड़ा है हमारे युवाओं के मस्तिष्क में, ये इस तरह से घर बना लिया है कि निकल ही नहीं सकता है, और यही कीड़ा की वजह से अनटैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो अन्य सेक्टर में नहीं जा पाते हैं ताकि उसके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं। हम बात करें अभी कुछ रिसेंटली, हम एग्जांपल के तौर पे हम अक्सर यूट्यूब पे एक प्रफुल्ल बिल्लोड़े के नाम से, वो चाय बेचने वाले जो है, उन्होंने करोड़ों कंपनी एस्टाब्लिश किया। उसके बाद पेटीएम के संस्थापक हैं, हम नाम अभी स्मरण में नहीं आ रहा है। उसके बाद एक इंदौर में ही एक चाय बेचने वाले तीन दोस्तों ने मिलकर भी करोड़ों कंपनी खड़ा किया है। उसके बाद ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स होंगे जो उन्होंने अपने दम पर कुछ क्रिएट किया। मैं अपना उदाहरण लूँ कि मैं एमएससी बॉटनी से हूँ, बीएड किया और मैं ब्रेन ड्रेन का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी एमएससी करता है और टीचिंग को अपनाता है तो फिर उसके पास एक ही है कि वो टीचर के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से समाज सेवा, देश सेवा करे। फिर अगर हम ब्रेन ड्रेन का शिकार होंगे तो फिर सरकारी योजनाओं के लिबास में हम चलते चले जाएंगे और फिर अपनी जो हमने जो एक रिकॉग्निशन की है वो फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम सरकारी लेटर को हम आदेश करते चले जाएंगे, तो ये अलग चीज़ है। तो हम मैसेज क्या है इस वीडियो के माध्यम से, मैसेज यह है कि इस वक्त जो हमको देख रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोटा, जहाँ भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी योग्यता से खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा ये कहना है कि आप अपनी योग्यता को पहचानिए। अगर आप बेवजह का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के पीछे माथा लगा रहे हैं, सर पटक रहे हैं, बाल उड़ा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो आप भी अलर्ट हो जाइए और ब्रेन ड्रेन का शिकार मत होइए, क्योंकि प्रकृति में वो सारी क्षमता है कि आपको वो बेरोजगार, अगर आप सोच लीजिएगा कि हमको बेरोजगार नहीं रहना है तो ढेरों सारे स्कोप है। आप आएँ पी आर बाव क्लासेस पर, यहाँ पे छोटे कोर्स से लेके बड़े कोर्स तक हमने बताया है,
कोई भी कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, इग्नू में आइए जहाँ पे कि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस हो रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, वहाँ पे आइए सीखिए और अपने गवर्नमेंट जॉब की कीड़ा से बाहर आइए। आपका जो है सबसे जो अभी हम देख रहे हैं, हम अभी जब से कोरोना आया हम गांव में ही रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो सर्वाधिक कैलकुलेट हमारा जो अपना ये मनोमस्तिष्क बोला कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन चार ही है। एक आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, वो पेरेंट्स को एक मानिए, पेरेंट्स जो है वो आपकी योग्यता को नहीं परखेंगे, वो बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चाहिए, क्योंकि पड़ोसी का लड़का भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में गया है, तो आपसे वो अपेक्षा करेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। दूसरा आपके रिश्तेदार जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करेंगे और वो कभी आपकी योग्यता को आंकेंगे नहीं, बल्कि आपसे सिर्फ ये कहेंगे आप कितनों पढ़ लो, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की ही क्यों ना हो। उसके बाद रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ठीक है, और आपके मित्र, ये सभी आपको जो है मेंटली टॉर्चर करते रहेंगे कि क्या हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप उस सब चीज़ों से आप बेफिक्र हो जाइए, अपनी योग्यता को पहचानिए, कुछ नया कीजिए। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप अगर IAS पास भी होते हैं तो 15 दिनों तक लोग पेपर में, सोशल मीडिया पे चर्चाएं रहेगी, 5 दिन तक, 8 दिन तक, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा एक जिला में और वहाँ से आप चलाइएगा, फिर धीरे धीरे आप सचिव बन जाइएगा, आप उसके बाद आपका जो मोहल्ला होगा, जो पंचायत होगा, वहीं के नाम लोग जानेंगे। और लेकिन अगर आप एक बेहतरीन करियर करते हैं, 5 से 10 हज़ार लोगों को, 15 हज़ार लोगों को, 25 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय के तौर पर आप रख रहे हैं, एक एक कल्चर एनवायरनमेंट कर रहे हैं, अगर आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अगर ये सोचते, आनंद महिंद्रा साहब हमारे अगर सोचते कि हम भी एक बैंक खोल लेते हैं, उसी में मैनेजर के तौर पर कार्यरत होंगे, तो शायद आज हमको नहीं लगता है कि वहाँ से निकले जो प्रोडक्ट हैं, गाड़ियाँ हैं, सबके दरवाजे पर रहती। रतन टाटा जी को लीजिए, मुकेश अंबानी जी को लीजिए, अनिल अंबानी को, या अन्य कोई मैन्युफैक्चर कंपनी जो सिप्ला है, बायोकॉन की किरण मजुमदार जी हैं, ये सारे चीज़ों ने ऐसा कर दिया है कि जब तक धरती रहेगी ये लोगों का नाम जो है चलते रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने कल्चर जो है कैसा क्रिएट कर दिया है। मैं बहुत सारी बात है अंदर में, उतना मैं बयान नहीं कर पाया, ये बहुत ज़्यादा मिनट्स का हो गया, आपको लगता होगा कि रुपये सर आज ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी बातें हैं हमारे अंदर बोलने के लिए, लेकिन समय की कमी की वजह से हम नहीं इतनी बातों को बताएंगे, लेकिन आप अपनी योग्यता अनुरूप लोगों की परवाह मत कीजिए, अपना कीजिए और जॉब देने के लिए सोचिए, जॉब देने के लिए सोचिए, अगर आप में काबिलियत है तो जॉब देने के लिए सोचिए, न कि जॉब लेने के लिए आप फाइल बनाइए, बायोडाटा बनाइए और दर बदर भटकिए। ये चीज़ हमारा, ये संदेश कैसा लगा आपको, ये जरूर आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं।